शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने शादी कर ली है। एक बात याद रखना, अगर हमारी बहन के आंख में एक भी आंसू आया ना, तो तुम्हारी बहन को दुगना रुलाएंगे। क्या आप सच में नहीं जानती कि आपके भाई ने हमारी बहन से शादी काहे की है? तुम ही बता दो क्यों की है। हमको अपनी एड़ी के नीचे रखने के लिए, आपको हमसे बचाने के लिए। उसको तो हम देख लेंगे। भैया छोड़िए उन्हें, हमारे पति है वो, हमने कहा छोड़िए। हमसे पूछ के मांग भरी है बंटी ने हमारी। राजा की जान उसके तोते में होती है, कहानी तो सुनी होगी। शिबू, ये समय अपनी कमजोरी दिखाने का नहीं है। तो क्या करें, हमारी कमजोरी तो उनके हाथ लग गई। काम तो बहुत ही गलत किया छुटकी ने, वो बच्ची है, किसी के बहकावे में आ गई। चाल तो इन ठाकुरों ने चली है, भरोसा तोड़ने की और लोगों का फायदा उठाने की इनकी पुरानी आदत है। शिबू, इस हवेली में जो करने आया था वो कर और जल्दी से निकल यहां से, नहीं तो बदला लेते लेते कहीं हम अपना सब कुछ ना गवा बैठे। अरे तो अम्मा क्या करें, हम क्या करें, आप बताइए हमें। इतना कुछ तो कर लिया, उस केशव की लड़की की जिंदगी झंडुम कर दी हम, रोज उसको खून के आंसू रुलाते हम, पूरे खानदान की हमने थूथू करवा दी पूरे गोरखपुर में, उसकी माँ मरते मरते बच गई। इतना काफी नहीं है। अरे तो अम्मा और क्या करें, थक चुके हैं ये बदले का खेल खेलते खेलते, थक चुके हम, तंग आ चुके हम, नफरत करते करते अम्मा हम तंग आ चुके। उठ, हमारा शिबू थक गया है, हमारा शिबू घुटने टिक रहा है, रो रहा है किसी नन्हे बच्चे की तरह। जी, तो हमारा खून है, हमारा खून कभी हार नहीं सकता। याद कर इन लोगों ने क्या किया था, तेरे पापा को गोली मारकर भाग गए थे। अगर तेरा खून अभी भी ठंडा पड़ा है ना, तो मार दे हमें, शायद तब तुम्हारा खून दोबारा उबाल मारेगा। नहीं अम्मा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसी बात मत कीजिए। आप जानती हैं ना, हम आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे अम्मा, आप ऐसी बातें मत कीजिए अम्मा। तो फिर जगह अपने अंदर के गुस्से को और बदले को पूरा कर। अर्थी का बदला अर्थी, शिबू अर्थी का बदला अर्थी, तुझे हमारी सर की कसम, तुझे तुम्हारे मरे हुए बाप की कसम। तेरे पापा की अर्थी उठी थी, इस हवेली से भी अर्थी उठनी चाहिए, चाहे किसी की भी। दुल्हन, भानो, बड्डी, किसी की भी। बता, वादा करता है हिम्मत? हाँ, हाँ अम्मा, हम वादा करते, अर्थी की बदले अर्थी उठेगी इन ठाकुरों की हवेली से।
ए, लकी तो नहीं सासू माँ? खबरदार, जो हमको सासू माँ का मुंह नोच लेंगे तुम्हारा। क्या हुआ, बात गले नहीं उतर रही? उतरेगी भी कैसे, आपके गले की हड्डी जो है हम। अरे आपके बेटे की पत्नी है, आपके पोता पोते की होने वाली माँ है। बहुत जल्द इस हवेली पर हमारा एक छत्रा राज होगा। तेरे पापा की अर्थ ड्यूटी थी, इस हवेली से भी अर्थ टूटनी चाहिए, चाहे किसी की भी। अर्थी का बदला अर्थी। खून करने से पहले ही खून से हाथ सन गए तुम्हारे। घर के बड़े यशस्वी होने का आशीर्वाद देते, खूनी होने का आशीर्वाद पहली बार सुन रहे हो। अर्थी के बदले अर्थी, यही कहा था ना अम्मा ने? शिवांश, तुमने जो जो कहा हमने किया, जो जो करवाया हमने किया। तुमने कहा अपने बाबा को खूनी कहो, हमने वो भी किया। सबके सामने अपनी माँ का दिल चकनाचूर कर दिया, भाई से मुंह फेर लिया, पाऊजी के मान सम्मान को तिलंजलि दे दी। अब बस ये सोच रहे हैं तुम्हारे इस बदले के हवन कुंड में और क्या क्या डालना पड़ेगा हमें। तुम्हारी आप कब बुझेगी शिवांश? इंसाफ चाहिए था ना तुम्हें, वो तो कब का हो गया, अब और क्या चाहिए? इंसाफ नहीं, बदला। और वो बदला तब पूरा होगा जब अर्थी के बदले अर्थी उठेगी। हमारी अम्मा ने यही कहा और हम अपनी अम्मा का कहा हुआ टाल नहीं सकते। अर्थी के बदले अर्थी। क्या हुआ, उस काय उतर गए? हम तो आपके पैर छू रहे थे। आप भी ना डरती क्यों हैं? आप हमसे डर क्यों रही हैं? ओह, हमको जाना पड़ेगा। क्या है, वो आते ही होंगे, हम दिखाई ना देना थोड़ी देर, पूरी हवेली सर पर उठा लेते हैं। आप तो जानते हैं आप ही के बेटे है ना, हम आते हैं। अब आराम से जाइए वरना वापस गिर जाएंगे। ठीक है, ये कहां से अव्वल दर्जे की पगलेट हमारे गले लग गई है। शवनी की जिंदगी खराब करते करते हमने अपनी खुद के बेटे की जिंदगी फूंक दी। हाँ, फंस गए हम। चुकन, मेरे बच्चे, तू मेरे अंदर है। हाँ, तू मेरे अंदर है, चिंता मत करना, हम भूले नहीं है, हम भूले नहीं है तुम्हारी मौत को, ना कभी किसी को भूलने देंगे, हम बदला लेकर ही रहेंगे। मानते हमारे बाबा से अपराध हुआ है, मानते हैं हम, और इसलिए आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे। लेकिन अम्मा, आप भी तो एक माँ है ना,
हर एक माँ के दिल के कोने में ममता तो होती है ना, थोड़ी सी दया तो होगी ना। आपको उसी ममता का वास्ता शिवांश को हत्यारा बनने से रोक लीजिए। हमारे सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो। हाथ जोड़ते आपके आगे, आप ही शिवांश को बचा सकती, उसको रोक सकती है हत्यारा बनने से। प्लीज प्लीज ऐसा मत होने। हमने हमारा लाल खोया है, तुम्हारे घुटने टेकने से हमारी कलेजी की पीड़ा कम नहीं हो जाएगी। हमारे बेटे की जान के बदले इस हवेली से एक अर्थी जरूर निकलेगी। अगर आपने हमारी माँ को बचा लिया तो हम अपना ये मनोज चेहरा उन्हें कभी नहीं दिखाएंगे। श्रवणी, माँ ने आवाज दी और हम पलट के देख भी नहीं सकते। श्रवणी, विदा तो दुनिया की हर लड़की होती है बेटा, पर जिस तरह से तूने हमें अलग किया है ना, उस तरह से कोई बेटी नहीं होती। हम अस्पताल में मरने की कगार पर थे और तू हमसे एक बार मिलने तक नहीं आई, और देख अभी भी कैसे हमारी तरफ पीठ करके खड़ी है। माम जल्दी में, कितने अभागे हम, कितने अभागे। अपनी माँ को एक नजर देख भी नहीं सकते। इंसाफ नहीं, बदला। और वो बदला तब पूरा होगा जब अर्थी के बदले अर्थी उठेगी। हमारे बेटे की जान के बदले इस हवेली से एक अर्थी जरूर निकलेगी। नहीं, क्या करें हम? कैसे बचाएंगे सबको इस अनर्थ से? अपनी बहन पर लगाम लगाकर नहीं रख सकते थे? ले लो बदला। बड़की टकराइन, आपके बेटे ने हम पर नकेल कसने के लिए किया ये। और एक बात याद रखिए कि खेल तो आपका ही बिगड़ रहा है, इसलिए आप अपना देखिए और हमें जो करना है ना, हम तो करके रहेंगे चाहे कैसे भी। मतलब ये कि शरवनी आपके खेल का हिस्सा है, हमारे नहीं। हमारे रास्ते में जो भी आएगा ना, निपटा देंगे उसे, भले चाहे शरवनी की जगह बंटी हो या ठाकुर भानु प्रताप। और वैसे भी हमारा बदला तो ठाकुर परिवार से है ना। हम
हमारे बाप के खून के बदले अर्थी उठेगी यहां से, अर्थी। भले वो चाहे किसी की भी हो। ऐसी गलतफहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना, क्या हमें कोई धमका दे और हम चुपचाप सुनते रहे। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारे परिवार को कुछ नहीं करोगे, उन्हें हाथ भी नहीं लगाओगे। तो दुआ कीजिए कि हम आपके दुश्मन ना बने कभी। और रही बात जवान की, तो जवान की कीमत तब तक थी जब तक आपके बेटे ने ये कांड नहीं किया था। एक नंबर के एहसान फरामोश था, भूल गए हम तुम्हें लेकर आए हैं यहाँ पर, हमारी वजह से तुम यहाँ पर हो। आपको जो समझना है समझ लीजिए। क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने शिवांश को? हमने पढ़ाई है या आपने? बहुत पानी में निकली तुम श्रवणी, ऐसी चाबी घुमाई कि शिवांश तुमको छोड़ के हमारे बंटी और भानुजी के पीछे पड़ गया, उनके खून का प्यासा हो गया। तुम तो बहुत खुश होगी ना, तुम्हारा तो काम बन गया। ये तो आपको आग लगाते वक्त सोचना चाहिए था ना कि एक दिन ये लॉ आपके अपनों तक भी पहुंच जाएगी। हमसे मुंहजोरी मत करो श्रवणी, उसे रोको जाके। ये जो रायता फैलाया ना तुम्हारे बाबा ने, उसको समेटोगी तुम और कोई नहीं, समझी श्रवणी? हमारे परिवार पे आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे पति ने हमको धमकी दी है। धमकी तो आपने दी है हमको, सबसे बड़ी ताऊजी की जान आपकी मुट्ठी में है, भूल गई? ताने मार रही हो क्या? दिला रहे आपको सौदा करना तो बहुत अच्छे से आता है ना, तो चाहिए अब जाकर शिवान से भी सौदा कर लीजिए, जिससे आप खुद लाइए यहाँ पे, है ना? दे दीजिए उसे ये पेस मेकर, चुन ले वो बंटियां ताऊजी में से किसी एक को, अपना बदला ले ले। तुम अपने ताऊजी को मरवाना चाहती हो? आप भी तो वही कर रही थी ना। शिवांश ने कसम खाई है, जानती है ना आप? अर्थी के बदले अर्थी, हम उसे रोक नहीं पाएंगे, खून तो बहेगा। इस हवेली में अगर किसी का खून बहेगा तो वो सिर्फ हमारा बहेगा। जो अपराध हुआ है उसकी कीमत सिर्फ हम चुकाएंगे। और अपने साथ साथ इस बदले की कहानी को भी खत्म कर देंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अब आप चैन से सो जाइए ताई जी, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बेटा और पति दोनों सुरक्षित हैं। आप जीत गई ताई जी, आप जो चाहती थी ना वही होगा, हमारी मौत। लेकिन इसके लिए आपको भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, आपका सच
बंटी और ताऊजी के सामने आएगा। बोलिए, मंजूर है? अपने बेटे और पति के लिए हम हर गुनाह कबूल करेंगे। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।